जीते हैं आज अपने ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 5th, जिसमें अभी गाड़ी देख लो कैसे खड़ी है, एकदम भाई स्लोप पे खड़ी है। आपको जज नहीं हो रहा हूँ पर देख सकते हैं एकदम गाड़ी स्लोप पे खड़ी है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे गाड़ी मतलब आगे कैसे चढ़ाना, क्या घूर रहा था रे साले भाई अरे भाई ऐसे तू कारनामे करते रहे ऐसे कहाँ फूटा। चलो भाई मजाक की बात अलग, तो गाड़ी देख लीजिए ऐसे स्लोप पे खड़े है भाई। अगर काफ़ी ड्राइवर को भाई दिक्कत आती है, आज भी लोग मतलब गाड़ी चलाने आती है पर ये नहीं करना आता क्या, ऐसे गाड़ी खड़ी करना नहीं। गाड़ी जब भी स्लोप पे खड़ी है इसको जगह पे बिना गाड़ी पीछे से आपको कैसे आगे बढ़ानी है, तो ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ कैसे सीखना। तो अभी अंदर से बात करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए भाई स्लोप का भी कैमरा में दिखता ही नहीं है कुछ भी, मतलब जज नहीं होता, दिखता तो है मतलब आप जज नहीं कर पाते कितना है। तो पहले मैं कर पाऊँगा फिर आपको स्टूडेंट से करके दिखाऊँगा। अब देख सकते हैं गाड़ी भाई एक इंच भी पीछे नहीं जाएंगी, ऐसा वीडियो में लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी पेट्रोल की है, बिना रेस के आगे नहीं बढ़ेंगी क्योंकि अभी ये स्लोप पे, देख ले कैमरा एंगल पूरा ऐसा, अभी से नॉर्मल ऐसे बैठो, ऊंचाई देखो ना यहाँ पे पकड़ो कैमरा, ऐसे करना है आपको। अब देखिए मेरे एकदम आँखों के आगे कैमरा देखो क्या देख रहे, आपको पेड़ देख रहे एकदम फर्स्ट फ्लोर वाले, तो क्योंकि रास्ता तो देखिए कहाँ जाके है, गाड़ी एकदम ऐसी खड़ी है भाई ऐसे। अगर मैं अपने इस तरफ दिखाऊँ तो क्या करना है, हैंड ब्रेक लगे ही रहना है आपको, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करने की गाड़ी पीछे जाएंगे, जो कि अभी दो इसमें दो चीज़ें होते हैं यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए, जो कि बिगनर है इसके जैसे और जो कि प्रो है मेरे जैसे। तो उसमें क्या होंगे नहीं भाई, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा पर अभी आती है तो क्या करें। तो देखिए क्या करना है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो मतलब जो बिगनर है वो हैंड देखिए भाई जैसे ये स्लोप दिख रहा है आगे और आपने ऐसे आगे लाके ऐसे कुछ कारण की वजह से आपको रोकना पड़ गया। तो इसमें भाई मैंने जैसे पहले बताया था इसमें आते दो मीटर आते हैं, मतलब यहाँ से अभी गाड़ी तो उठा सकते कैसे भी पर गाड़ी बिना पीछे है, समझ लीजिए यहाँ पर ट्रैफिक लगा है आपके पीछे कोई गाड़ी है तो उसको टक्कर ना हो, मतलब जो जिस पोजीशन में गाड़ी खड़ी है उसी पोजीशन से आगे चले जाए बिना पीछे है। तो दो कारण है भाई, तू भी सीख थोड़ा सा, पहला हैंड ब्रेक वाला जो कि बिगनर्स के लिए और दूसरा जो जिनको आदत हो गई चलाने की उनके लिए। तो पहला हैंड ब्रेक वाला बताऊँ आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक खींच देना है सबसे पहले आपको, रोकने के बाद क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर डालना है, फर्स्ट गियर में उठेंगी गाड़ी भाई क्योंकि ऑब्वियसली स्लोप है तो फर्स्ट गियर में उठेंगी, फिर हैंड ब्रेक छोड़ना नहीं है और फिर आपको हल्की हल्की रेस दे क्लच छोड़नी है, रेस ज़्यादा नहीं देनी नहीं तो फिर टायर स्लिप मार लग जाएंगे। तो रेस इतनी देनी है आपको दो तक और क्लच छोड़ना है और जब तक अगर गाड़ी वाइब्रेट ना होने लगे तब तक फिर आपको हैंड ब्रेक नहीं रिलीज करनी है। देखिए मैं रेस भी दे रहा हूँ क्लच छोड़ रहा हूँ, देखिए अब गाड़ी थोड़ी सी उठ रही है आगे से मतलब चलने को हो रही है, उसी समय आपको क्लच छोड़ना है मतलब ये हैंड ब्रेक छोड़ना है। गाड़ी देखिए मैं हैंड ब्रेक छोड़ूंगा अभी बिना गाड़ी पीछे आए, तो हैंड ब्रेक छोड़ दे अभी देखिए बिना हल्की सी एक इंच भी गाड़ी पीछे है, हल्का का क्लच छोड़ना है, देखिए गाड़ी अपनी आगे आ गई। अब आप एक बार बाहर से देखिए देख लिया आपने अंदर से बाहर से भाई मतलब कैसा मतलब वो होता है, ये हो गया हैंड ब्रेक वाला। आप हर बार तो भी अब इमरजेंसी सिचुएशन में हैंड ब्रेक तो खींचोगे नहीं, बार बार कौन मतलब हाथ से खींचेगा, रुकेगा फिर क्लच छोड़ेगा। तो अभी जो ये तो बिगनर के लिए मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे आप, पर अगर एक आप एक मतलब ड्राइवर तो नहीं मतलब अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो आपको गाड़ी चलाना आती है और नॉर्मली मतलब मैं कैसे गाड़ी को मतलब यहाँ से पिक करूँगा, अब जिनको आती है वो तो हम हर बार क्लच मतलब वो नहीं देंगे ना। तो अब देखें क्या करना है, अब कोई कोई यूट्यूबर ये भी बताते कि मतलब ब्रेक प्रेस किए रखो क्लच भी प्रेस कर रखो गाड़ी को फर्स्ट गियर रखना है, हैंड ब्रेक नहीं देना है इस बार, क्या वो क्या बोलते हैं ब्रेक प्रेस किया है तो क्लच भी आप रिलीज करिए जब तक गाड़ी वाइब्रेट होती है, फिर उसके बाद ब्रेक हटा के इससे भी गाड़ी चढ़ जाती है पर थोड़ी सी पीछे आती है। और अभी जो मेरे को जो आदत हो रखी है वो देखिए कैसी है, स्लोप पे गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में मैं क्या करूँगा ना तुरंत करूँगा तो और वैसे गाड़ी बंद गिरा दूँगा। वो बताओ भाई दिक्कत कहाँ पर रुकी है, एक मिनट ये जो भाई नीचे जुगाड़ लगा के नहीं लॉक का वो हिल गया था तो इसकी वजह से रेस दब गई और टायर स्पिन होके गाड़ी बंद पड़ गई, रुकिए मैं बता दो क्या करना है। तो देखिए अभी मैं क्या करूँगा तुरंत मतलब ब्रेक से पैर हटा के ऐसे गाड़ी आगे बढ़ा लेंगे, तो ये तो हो गया भाई फ्रंट और बैक में, एक बार मैं आपको रिवर्स में भी करके दिखा दूँ। तो वैसे मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि मतलब जो हैंड ब्रेक वाला है वही ज़्यादा बेहतर है। अरे देखिए गाड़ी एकदम पीछे से उठ गई है क्योंकि अभी स्लोप पे, क्या करना फिर से हैंड ब्रेक देना है और देखिए
आराम आराम से गाड़ी चढ़ जाएंगे भाई, बिना आगे जाए मतलब। और अभी थोड़े से ऐसे कारना कर रहा, क्लच की थोड़ी सी बदबू आ रही है। तो देखिए ये वाला स्लोप था भाई। अब मैं फिर से एक बार आपको हैंड ब्रेक लगा करके दिखा दूँ, क्योंकि आप तो अभी हर बार वो करेंगे नहीं ना। तो देखिए गाड़ी रुक गई यहाँ पे स्लोप पे। अब जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी पीछे आएंगी। ये देखिए गाड़ी पीछे जा रही है। हैंड ब्रेक खींच देना है आपको और क्लच रिलीज करना है और रेस देने है। जब तक करना जब तक गाड़ी झुकने लगे, उसके बाद रेस छोड़ के क्लच छोड़ देना है, गाड़ी अपने आप चढ़ जाएगी आराम से। तो यही थे भाई अपने पार्ट 5th में ड्राइविंग सीरीज़ के। तो अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।